Gali politics also meanwhile continues among our lawmakers and not just in the parliament but also outside. Opposition steps up now pressure on Lok Sabha Speaker demanding stringent action against BJP Member of Parliament Ramesh Biduri over his derogatory remarks against BSP Member of Parliament Danish Ali. The Saffron clan, meanwhile, has questioned Danish Ali's conduct in the parliament also now. BJP has asked Lok Sabha speaker to look into statements made by the BSP MP that provoked Ramesh Biduri and demanded action against Danish Ali as well. Now, the Grand Old Party accused Ramesh Biduri of shredding parliament's dignity.

क्षोभ उत्पन्न हो रहा है एक जन सामान्य के मन में भी वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है क्योंकि माननीय गया है मेरे विचार से वो भारत की, में, निम्नता की, है, की हद है जो आज इस तरह का वक्तव्य आया है जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया माननीय प्रधानमंत्री जी और एक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कांग्रेस के आला का मन माननीय सोनिया गांधी जी अब तक सामने नहीं आई मल्लिकार्जुन खड़गे जी अब तक इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिए इसके बयान के माध्यम से कांग्रेस के देवलियापन और ये जो उनका मानसिक रुग्णग्रस्त का परिचायक एक स्थिति वो सामने आई हुई है और मैं इसका घोर निंदा करता हूँ और साथ ही साथ मैं कांग्रेस के आलाकमान से इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूँ दुख इस बात का है कि रमेश बिदूड़ी गंदी आपत्तिजनक बातें बोलते रहे और उनके पीछे दो पूर्व के के सभापति लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का था अगर विपक्ष का सांसद गहरी सांस ले ले तो निलंबित हो जाता है यहाँ पर सांसद ने हेट स्पीच दे डाली उसको एक मीठी सी फटकार लगा के चेतावनी दे दी देखिए सभी को निजी में क्या चल रहा है उस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है उनका एक पारिवारिक जीवन है और एक उनका पब्लिक उनका काम है तो जो पब्लिक डिसीजन लेते हैं लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हों उनके इश्यू बेस्ड अगर डिस्कशन हो तो ठीक है पर अगर पर्सनल अटैक्स करेंगे तो ये कहीं भी ठीक नहीं है और उससे रजिस्टर करना चाहिए और जिसने ये किया है उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए India's number one political reporter defines what seems to be happening, vendetta politics. Unmatched eye, unmatched experience. The world has changed. My black hair has become grey as well. And with unmatched passion for the story. Do not monopolize the conversation. When it's 100% news that matters, it's news today with Raj Sardesai. Monday to Friday, 9 p.m. Only on India Today TV.